Welcome to Vulse Education. Today we will discuss on ferromagnetic substances and their properties. हमने अपने last two lectures में diamagnetic substances और paramagnetic substances के बारे में understand किया था कि वो जो material हैं वो क्यों ये behavior show करते हैं diamagnetic और paramagnetic behavior और उनकी properties के बारे में discuss किया था. I think वो आपको clear हो गया था. अब हम understand कर रहे हैं ferromagnetic substances के बारे में. देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी क्या होता है, इनके भी जो भी आपके पास एटम्स हैं उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो नॉन ज़ीरो होती है. मींस ये वो वाले मटेरियल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में होता था. डायमैग्नेटिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, इवन होते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, उनकी एक इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट थी वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देती थी और जो एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट होती थी वो क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी. पर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑड होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि जो एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो नॉन जीरो होती है. क्लियर है? जब भी हम इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई रखते हैं तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता था, वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होता था, बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो ऐसा क्यों होता है, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखो पहले फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं, व्हेन सच सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. देखो फिर हमने राइट डाउन किया है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच ईच इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल्स हैज ए नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट एज इन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, इनकी जो एटम और एटम्स की जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो क्या होती है, नॉन जीरो होती है, बिकॉज इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एग्जांपल जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके अलॉयज. क्लियर है? ओके अब देखो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है, ये क्यों इतने स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं. देखो इसमें भी अब देखो क्या है, ये एटॉमिक डायपोल मूवमेंट है, इन सब एटम्स की अपनी अपनी डायपोल मूवमेंट है. ठीक है, पर इस वाले केस में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो एटम्स की, ईच एटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, देखो ईच एटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. बहुत स्ट्रांग होती है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, तो क्या करेगा वो, जो उसके नेबरिंग के एटम्स होंगे उनको क्या करेगा, वो अपने डायरेक्शन में अलाइन कर देता है. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है कि जो भी आपके पास ईच एटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है. ये बहुत स्ट्रांग होगी तो ये अपने जो नेबरिंग जितने भी एटम्स हैं इनको क्या करेगा, अपने डायरेक्शन में अलाइन कर देगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में है तो इन सबको क्या करेगा, ये इसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा. और अब जैसे ये है, ये इस डायरेक्शन में है, ये क्या करेगा, अपने नेबरिंग एटम्स पे क्या करेगा, उन सबको जो है क्या करेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है इंडिविजुअल एटम की, अपनी डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे. तो इस वजह से क्या हो जाता है कि इसमें छोटी छोटी सी डोमेन्स बन जाती हैं और उस डोमेन में क्या होता है, जितने भी डोमेन, हर एक बहुत सारी डोमेन्स बनती हैं, अब हर एक डोमेन्स में जितने भी एटम्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. क्लियर हो गया इस वाले केस में? देखो तो पहले मैं आप अंडरस्टैंड कर लें, फिर राइट डाउन क्या किया वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. देखो इस तरह से बन जाता है. अब मान लो कि ये इस डायरेक्शन में थे तो ये क्या करेगा, इसकी डायपोल मूवमेंट, एक इंडिविजुअल एटम की जो डायपोल मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी मैग्नेटिक मूवमेंट, उसने क्या किया, अपने नेबरिंग वालों को सब अपने डायरेक्शन में अलाइन हो गई. तो इसी तरह से ये डोमेन्स बन जाती हैं बहुत सारी, जो एक ही डायरेक्शन में जो हैं उनके मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर हो जाती हैं. क्लियर है? ये फेरोमैग्नेटिक के केस में होता है. बट जब तक फिर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उनको अप्लाई नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नल, तो क्या होगा, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट तो जीरो रहेगी, बिकॉज है तो ये इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत स्ट्रांग, बट ये दूसरे वाली डोमेन के साथ जो है क्या कर रही है, कैंसल आउट हो रही है. क्लियर है? ओके फिर जब हम क्या करते हैं, उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं. मान लो इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो अब क्या होगा, देखो जो इस डायरेक्शन में ये थे यही क्या हो जाएंगे, इसी डायरेक्शन में सारी डोमेन्स क्या करेंगे, खुद को अलाइन कर लेंगी और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं. क्लियर है? क्योंकि अब क्या होगा, देखो अभी आपको, आप मैग्नेटिक फील्ड जैसे अप्लाई करोगे, बिकॉज ऑलरेडी क्या है, वो जितने भी एटम्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड नहीं है, वो क्या है, कुछ कुछ डोमेन्स बन गई हैं
वो एक एक डायरेक्शन की तरफ, तो मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी हर डोमेन की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इसे हम डोमेन थ्योरी भी कहते हैं कुछ कुछ। ठीक है, अभी आप इतना अंडरस्टैंड कर लें, ये आई थिंक इनफ है। अब कुछ कुछ बुक्स में इस तरह से भी अंडरस्टैंड करवाया। देखो, जैसे मान लो कि पहले ये वाली पिक्चर बना दी, अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपने, अगर आपने वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी हुई है, थोड़ी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो क्या होगा, अब जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, तो ये वाली जो डोमेन है ना, इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक, जो आपके पास मूवमेंट है इन डायपोल्स की, वो इसी डायरेक्शन में है ये वाले, तो ये वाली क्या करेगी, ये एक्सटेंड होना स्टार्ट करेगी, और ये जो बाकी वाली है ये कम होती जाएंगी, ये एक्सटेंड होती जाएंगी वीक वाली में। तो फिर क्या होगा, जो भी ये मैग्नेटाइज्ड होगा वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है, स्ट्रांगली नहीं होगा, जैसे पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, फिर जब हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारी डोमेन्स जो हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं, और ये सारी सारी डोमेन्स उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देती हैं। क्लियर होगी आपको सारी? अब देखो, राइट डाउन हमने क्या किया है, हम वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, इन दीज मटेरियल्स द इंडिविजुअल एटम्स आर एसोसिएटेड विद लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ नेबरिंग एटम्स, जो भी नेबरिंग एटम्स होते हैं, इंट्रैक्ट विद ईच अदर एंड अलाइन देमसेल्व्स इन ए कॉमन डायरेक्शन कॉल्ड डोमेन्स। वो इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और वो अपने आप को क्या कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं एक डायरेक्शन में। ईच डोमेन पोजेसिस ए स्ट्रांग मैग्नेटिक मोमेंट। अब हर एक डोमेन जो है वो क्या करेगी, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा होगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड सो दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगी वो, ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की इस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, वो सारे के सारे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो, व्हेन दीज मटेरियल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑल डोमेन्स देमसेल्व्स अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लीडिंग टू द स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में जब अप्लाई करेंगे उनको, तो वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगी वो, सारी की सारी डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगी खुद को। क्लियर हो गया आपको? ये थे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्या ओरिजिन है इसका, क्यों ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब देखो, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लें। प्रॉपर्टीज इसकी ऑलमोस्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह ही हैं। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट है, देयर आर नेट एटॉमिक डायपोल मूवमेंट, नेट एटॉमिक डायपोल मूवमेंट होती है इसमें। सेकंड, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपको पता है। ठीक है, थर्ड, दे हैव ए स्ट्रांग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू द रीजन ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये स्ट्रांग वीक मैग्नेटिक फील्ड से किस तरफ जाएंगे, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, हैंस दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे ये। क्लियर है? देखो, ये वाली जो चीज़ है, इसकी पिक्चर देखो हमने इस तरह से भी बनाई थी, जो हमने लास्ट वाले ये वाली है। ठीक है, ये इसी तरह से ये वाली पिक्चर आप उसमें भी बना सकते हो फेरोमैग्नेटिक में, मैंने वहाँ ड्रॉ नहीं करी हुई है। देखो, जब भी हम इसे क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, वीकर पार्ट से स्ट्रांग पार्ट की तरफ। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के केस में भी ये होता है और फेरोमैग्नेटिक के केस में भी होता है। तो आप ये वाली पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, वहाँ पे सेम पिक्चर आनी है, स्ट्रांग फील्ड है यहाँ पे, तो क्या होगा, तो जितने भी आपके पास जो ये मटेरियल है, ये किस तरफ को अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को। क्लियर है? ओके, अब है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, व्हेन ए पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर टू पास थ्रू द पीस रेदर देन द एयर। ठीक है, जब भी हम इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करेंगे किस पे, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो प्रेफर करेंगी कहाँ से जाना, उस मटेरियल में से, बिकॉज ये क्या है, ये तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से क्रॉस करेंगी, मैक्सिमम उसके मटेरियल के अंदर से। ठीक है, देखो, ये यहाँ से आ रही है तो भी अंदर से होके जा रही हैं।
है ना। तो देखो बी एम की वैल्यू ये वाली होती है जो मटेरियल के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट की वैल्यू ये है। तो इस केस में तो अब दिख रहा है ये, है ना, जो बी एम की वैल्यू है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू किसके, बी नॉट के। बी एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, पैरामैग्नेटिक के केस में भी बी एम की वैल्यू ज़्यादा होती थी बट उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, फेरोमैग्नेटिक में बी एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी नॉट। क्लियर है। फिफ्थ वाला वही जो हमने सेम किए हुए हैं, देखो अब हम कौन सा करते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी, उसकी वैल्यू बी एम डिवाइडेड बाई बी नॉट होती है। अब बी एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बी नॉट से, तो मीन्स ये वाली चीज़ ज़्यादा है ये कम है, तो म्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वन। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब सिक्स्थ पॉइंट है देखो, जो आपके पास एक्सेप्टेबिलिटी है वो उसका और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। आप ये जाई एम भी राइट डाउन करते हैं, कई बार आप जाई भी राइट डाउन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस वन। ठीक है, अब इस वाले केस में जो जाई एम की वैल्यू है, देखो म्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है वन से, इसकी वैल्यू वन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव और बहुत लार्ज वैल्यू होगी इसकी। तो जाई एम इक्वल टू लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी। द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी लार्ज, दैट इज व्हाई दे कैन बी मैग्नेटाइज ईजली एंड स्ट्रांगली। इसलिए वो ईजली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, बिकॉज जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो यहाँ से पता चल रहा है, देखो बहुत लार्ज होती है और पॉजिटिव वैल्यू होती है, बहुत लार्ज होती है वाली वैल्यू। क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट है, विद राइज इन टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होता था। ठीक है, जो भी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है मैग्नेटाइजेशन है वो इन्वर्सली वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। जैसे हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो वो जो डोमेन्स हैं, जो आपके पास ये वाली डोमेन्स हैं, ये दोबारा से क्या हो जाएंगी, डिसओरिएंट हो जाएंगी, ऐसे ही बिहेव करेंगी। जब इसको टेम्परेचर को राइज करेंगे डिसओरिएंट हो जाएंगी और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन क्या है वो इन्वर्सली वेरी करता है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करना स्टार्ट कर देता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर रेज करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है कैसे बिहेव करने लग जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या कर देता है अपनी, वो लूज़ कर देता है। क्लियर हो गया। देखो आज हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ओरिजिन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।